तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अनबाउंड गेम्स। तो आज से कुछ दिन पहले यानी 12 सितंबर को था मेरा बर्थडे। एंड सीरियसली गाइस, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया उस दिन। बहुत लोगों ने मुझे विश भी किया था, उन सब चीजों के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना बर्थडे कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ और आप लोग के साथ। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पर इवेंट रखूंगा 12 सितंबर को, तो बहुत सारे बंदे खेलने के लिए आए भी थे एंड सबके साथ केक कटिंग करने का मजा ही कुछ और था। ठीक है समरिया। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड में जहाँ पर मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो ये है मेरा घर, यहाँ पर अभी कुछ भी डेकोरेशन नहीं हुआ है और कुछ देर में यहाँ पर यूट्यूबर्स भी आने वाले हैं और हम लोग को यहाँ पर साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करना है। तो यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे वीडियोस मिल गए जहाँ पर हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने ज्यूक बॉक्स और कुछ रेडस्टोन की हेल्प से एक म्यूजिक बनाया। अगर हम लोग इसे प्ले करते तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे वाला गाना बजेगा जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है। तो सबसे पहले मुझे घर का एंट्रेंस अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने घर का एंट्रेंस सबसे पहले चेंज कर दिया। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था तो मैंने यहाँ पर लाइट लगा दिया, और अगर मैं यहाँ पर लीवर को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायरवर्क्स आना शुरू हो जाएंगे। ये एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा चीज है, ये सब कमांड ब्लॉक की हेल्प से हुआ है। फिर घर के सामने मैंने यहाँ पर रेड कार्पेट लगा दिया कि बंदों को फील आए घर के अंदर घुसते हुए। एंड साइड में मैं यहाँ पर कमांड ब्लॉक का यूज करने वाला हूँ एंड थोड़ा सा टेक्सचर देने के बाद ये बहुत ज्यादा सही लग रहा है। नीचे मैंने एक रेस्टोरेंट क्लॉक बनाया और अगर मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट लगाता हूँ तो चारों तरफ यहाँ पर फायरवर्क्स होने वाला है। कतई सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है यहाँ पर। एंड मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ बैलून माइनक्राफ्ट के अंदर। यहाँ पर लगेगा एक फैंस और नीचे हम लोग रैबिट को स्पॉन कर देंगे और लीड से बांध देंगे ऊपर। एंड अब ये थोड़ा थोड़ा बैलून टाइप का लग रहा है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर बहुत सारे बैलून्स बना दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। एंड अब मैं बनाने वाला हूँ एक फिनियाटा। फिनियाटा शायद एक बर्ड का नाम है जिसको फोड़ के हम लोग को चॉकलेट मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर लूम की हेल्प से बहुत सारे बैनर्स बनाने वाला हूँ और अब सारे बैनर्स बनाने के बाद हम लोग इसको फिनियाटा पे लगाने वाले हैं। अब ये फिनियाटा बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है भाई। और अब हम लोग बनाने वाले हैं अपने केक के लिए स्टैंड। अगर तुम लोग को पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब हम लोग यहाँ पर स्लैब लगाने वाले हैं और ऊपर पिस्टन से इसको नीचे भेज देंगे। एंड ऊपर में केक लगाने के बाद हम लोग का केक वाला स्टैंड बन चुका है जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। और स्टेंड ग्लास को रैंडमली प्लेस करके हम लोग अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर इसमें हम लोग वाइन्स लगा देते हैं तो ये बहुत ज्यादा सही दिखता है। और अब तुम लोग देख सकते हो हमारा रूम कितना ज्यादा सही दिख रहा है। बर्थडे में कोई गिफ्ट लेकर तो आएगा नहीं, इसलिए मैं अपना गिफ्ट खुद यहाँ पर बनाने वाला हूँ। और यहाँ से हम लोग कुछ बैनर्स बनाने वाले हैं अपने गिफ्ट में टेक्सचर देने के लिए। ओ भाई, क्या ही दिख रहा है ये। बर्थडे हो और नाच गाना नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई। इसीलिए मैं इस रूम को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ कुछ इसमें। ये डिस्को रूम बहुत ही ज्यादा सही दिख रहा है, यहाँ पे डांस करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट इसका ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसीलिए अगर तुम लोग को ये बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, तुम लोग आराम से जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए एंजॉय दिस सिनेमैटिक। तो यहाँ पर हमारे सारा यूट्यूबर्स फ्रेंड्स आ चुके हैं, जैसे कि आरडी स्पॉट, यूक प्लेज, एमजी फ्लेम, द ट्रिगर बॉय, स्टील विंग, फंजे गेमर, थ्रिल गेमिंग विद क्रिस एंड मिस्टर एरर। और अब हम लोग इन सबके साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ग्लास फोड़ देता हूँ, सब लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं मेरे। तो सबसे पहले हम लोग अपने डाइनिंग टेबल के पास आ गए थे जहाँ सब लोग को एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल रहा था। हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे एक ही टेबल में एंड फायरवर्क्स ने इसका लुक और ज्यादा ऑसम कर दिया था। ये जो मैंने यहाँ पर गिफ्ट बनाया है सबको देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये। तो सब लोग पार्टी वाले रूम में जहाँ पर सब लोग नाचना शुरू कर दिए, और अब मैं यहाँ पर डीजे वाला बाबू बन चुका हूँ। मेरे पास पिग स्टेप वाला डिस्क है भाई, इसे कौन सा गाना बजता है। ओ भाई, क्या ही मस्त लग रहा है ये। देन मैं सबको ऊपर ले आया फिनियाटा दिखाने के लिए। ये फिनियाटा बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा और ये बहुत ज्यादा सही भी दिख रहा था। और बहुत गम के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मैंने बर्थडे वाला सॉन्ग बनाया था वो यहाँ पर खराब हो चुका है। लगता है किसी ने नोट ब्लॉक के ऊपर हाथ मार दिया जिसके कारण उसका साउंड चेंज हो गया। और गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर केक कटिंग के लिए। सब लोग नीचे बैठ गए भाई, बहुत ज्यादा सही दिख रहा है ये। एंड अब हम लोग तलवार से अपना केक कटिंग करने वाले हैं भाई। हो गया, मैं हर जगह केक रख देता हूँ ताकि सब लोग खा पाए इसको। भाई ये पार्टी के बाद कौन से नशे चल रहे हैं भाई इन लोग के। और भाई यहाँ पर झगड़ा होना शुरू हो गया भाई, एक दूसरे को मारने लग गए। बट मेरे पास रीजनरेशन है भाई, कोई नहीं मार पाएगा मुझे।
बट जो भी बोलो भाई, सबके साथ सेलिब्रेट करने में बहुत ज्यादा मजा आया। तो गाइस दोस्तों के साथ तो सेलिब्रेट हो गया बर्थडे, बट आप लोग के साथ करना अभी बाकी था। तो अब मैं आ गया अपने अनबाउंड नेटवर्क में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप लोग सभी लोग के साथ। एंड गाइस तुम लोग एक बार चैट देखो भाई, सब लोग मुझे विश कर रहे हैं भाई। भाई थैंक यू ऑल यार, जो भी यहाँ पर आए यार बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो लेट्स गो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर अपना केक कट करते हैं। भाई साहब यहाँ पर फायरवर्क चलना शुरू हो गया भाई, ये कितना ज्यादा ऑसम दिख रहा है भाई। थैंक यू ऑल यार। एंड अब सब लोग मेरे पास आ चुके हैं, ये बर्थडे यादगार रहने वाला है भाई। तुम लोग भी हमारे सर्वर खेलने के लिए आ सकते हो, डिस्कॉर्ड में तुमको आईपी पोर्ट मिल जाएगा। गाइस एक बार तुम लोग पूरा मैप देखो यहाँ पर। और अब हम लोग सब लोग डाइनिंग टेबल में आ चुके हैं सबको नाश्ता पानी करवाने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक YouTube का बैनर भी है। तो अब हम लोग डिस्को डांस की तरफ आ चुके थे खाना खाने के बाद, जहाँ पर सारे बंदों ने खूब नाचा एंड थोड़े से सस्ते नशे किए। रात के टाइम ये और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा था, सबके साथ खेलने का मजा ही कुछ और है भाई। तो लास्ट में मैंने सबको चैलेंज दे दिया, मैं रहूंगा नेदराइट आर्मर में और बाकी सब रहेंगे लेदर के आर्मर में, और हम लोग करेंगे पीवीपी। भाई नेदराइट के आर्मर में मुझे कोई मार ही नहीं पा रहा था, तो मैं ऐसे ही खड़ा हो गया, सब लोग मुझे मारने के लिए आ गए थे। एंड फाइनली सब लोगों ने मुझे डिफीट कर दिया। तो गाइस यार फाइनली मैंने अपना बर्थडे तुम लोग के साथ एंड बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ भी सेलिब्रेट कर लिया माइनक्राफ्ट के अंदर। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक किया मैं 700 लाइक्स, आई होप कम्प्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, एट लास्ट थैंक यू सो मच।